थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय एक। पौलुस और सिल्वानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। ये परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ये उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। अध्याय दो। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रुके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें,
कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्र द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। अध्याय 3। निदान, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र मिले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चलें। हमने किसी की रोटी सेंत में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पो। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। और तुम, हे भाइयों, भलाई करने में हियाव न छोड़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो, जिससे वो लज्जित हो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूं। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे।